एक साल की उम्र से रहते हम नाना नानी के ही साथ थे। तो हमारे पिताजी थोड़ा अलग विचार के व्यक्ति थे, बड़े विचारवान व्यक्ति थे, ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन चुपचाप खामोशी से और बड़े ही विचारशील आदमी थे। तो उनसे बाद में मैंने पूछा कि ये क्यों ऐसा क्यों किया आपने बचपन में, तो उनका ये कहना था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई विधा जब आप चुनते हैं तो उसका गुरु ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, और अच्छे गुरु के बिना एक चीज सीखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे गुरु के पास सीखे तो काम हो जाएगा, मतलब ये विद्या ऐसी है कि कई बार कई जन्म लग जाते हैं अच्छा गुरु मिलने में, एक दो जन्म तक तो देखते सुनते निकल जाता है इंसान, कभी जाके दो तीन जन्म में एक सही अच्छे गुरु मिलते हैं जो सही हाथ पकड़ के ले जाए। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है इस कला के साथ कि इस कला को आप, जैसे मुझे बांसुरी सीखने का मन है तो मैं ऐसे ही किसी से भी नहीं बांसुरी सीख सकता, गाना सीखना है तो ऐसे ही उस विधा के सबसे बड़े गुरु को ढूंढना और पहचानना और जाना उनके पास, फिर वहां से असली यात्रा तो वहां से शुरू होगी, तो यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती जब तक गुरु ना। तो उनका ये कहना था कि जब घर में एक ऐसा गुरु मौजूद है जिससे दुनिया से लोग आके तबला सीखते हैं तो तुम डांस सीख के क्या करो। दूसरा, उनके पर्सनल जीवन में, अपने जीवन में उनको गुरु ढूंढने के लिए बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तो वो हैदराबाद से थे और वहां पे उस जमाने में नॉर्थ का डांस, कथक डांस वगैरह मेंटेन करना तो वो बहुत मुश्किल बात था। तो वहां से वो कथक डांस को सोचते हुए और फिर धीरे धीरे दिल्ली आए, और फिर दिल्ली में उन्होंने महाराज जी के पास सीखा और फिर कलकत्ता में काम किया। तो उनका कोई गॉडफादर नहीं था, तो वो पूरा शुरू से, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तब अगर ऐसे गुरु हैं घर में है तो बेवकूफी होगी कि कुछ और सीखो, तो सिर्फ तबला सीखो। ये बात और थी कि अगर मेरा शायद मन ना लगता 5 6 साल 8 साल जाते जाते तो शायद मैं फिर किसी और विधा में जाता, फिर अलग बात थी। लेकिन प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर जो कहा जाता है, और ईश्वर की कृपा थी कि दिल लग गया और जिनको जिनके पास भेजा उनसे बेहतर गुरु उस युग में कोई हो ही नहीं सकता था, तो बस फिर यात्रा शुरू हो गई। नहीं, वो लोग यूजुअली सोचते हैं ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ननिहाल में उनके खाली लाड प्यार मिलता है, हमारे तरफ थोड़ा उल्टा मामला है। महाराज जी बड़े ही दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं, और मैं अक्सर दुनिया में घूमता हूँ, लोग बहुत से लोग आपकी जो सवाल पूछे हैं सब पूछते हैं, आप तो रहे हैं उनके साथ 2400 घंटे, महाराज जी को हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं या सामने से एक बार मिले हैं, तो वो घर में जैसे थे तो कैसा था उनके साथ रहना या कैसे होता। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उनके संग घर में साथ रहना कितना मुश्किल होता, वो इतने अलग तरह के व्यक्ति थे। और चूंकि उन्होंने जीवन को बड़े अलग ढंग से देखा था, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे वो, लेकिन किताबों को पढ़ रहे थे बचपन से, और एक अलग ही विलक्षण प्रकृति के आदमी थे शुरू से बचपन से, तो वो उसी के संग बड़े हुए थे। और अपने बचपन में वो इकलौते होते थे घर के, तो इकलौते लड़के भी थे, तो हम लोग वो उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी दुनिया जो है चारों तरफ उनको जो है उनके मर्जी से सब कुछ होता था। तो हम लोग थोड़ा सा भी बचपन में, बहुत बचपन की बात अलग है, लेकिन जब गंडा बंधन हो गया, वो भी कोई बड़े नहीं हो गए थे, 5 ही 6 साल के थे, लेकिन वो 5 6 साल की उम्र से फिर उन्होंने ट्रैक पे ले आ दिया कि अब इन सब बदमाशियों में से ये सब बदमाशियां नहीं हो सकती, ये हो सकती हैं। और वो फिर वो बढ़ता गया फिर उम्र के साथ, तो 12 13 साल की उम्र में मेरे ख्याल से स्टेज पे मैंने बजाना शुरू किया, फिर वो सारी गलतियों पे ये हो गया कि अब इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर बहुत ही कड़ाई रखते थे वो, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, और उनका मानना ये था कि तुमको देख के समझना चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें कई बार वो चीजें दिक्कत हो जाती थी, और उसमें मुझे ही क्या, सारे शिष्यों को और हम सभी को, मैं ये बात बताता हूँ लेकिन बहुत से लोग इसका यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे गुरु भाई लोग जो हैं जो मेरे साथ सीखे हुए हैं वो इसकी गवाही देंगे कि हम लोग सारे एक संग रियाज करते थे, और रियाज करके उठ के जाके फिर उनके चिड़िया का कुत्तों का खाना पीना और वो घर में झाड़ू पोछा, तो ऐसा नहीं है कि मैं नाती हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ और दूसरे कर, ऐसा नहीं था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैं खाना खाने अंदर घर जा सकता था और उनके घर में सो सकता था।
ये तो बाकी शिष्य जो थे वो खाना भी खाने बाहर जाते थे और सोने भी दूसरी जगह जाते थे, घर से वापस जाते। नहीं तो और कोई फर्क नहीं, उनकी सेवा में, उनके व्यवहार में, अपने बच्चों के साथ भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बेटे के साथ, बेटियों के साथ, तो शिष्यों के संग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। लेकिन वो आज भी, अब मैं देखता हूँ मुड़ के पीछे, तो बड़ी कृपा रही है भगवान की कि उनके संग रह लेने की वजह से अभी दुनिया में दूसरी मुसीबतें मुझे बड़ी छोटी लगती, और सामने कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत हो हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बना दिया है।